मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास सिक्स. इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. एक जर्नी अलग अलग हैबिटेट्स की. कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मैंने देखे हम लोगों ने. आज टुडे आई विल टीच यू सम अक्वेटिक हैबिटेट्स, ओशंस. वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडॉप्टेड टू लाइव इन द सेयर सी. हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि फ़िश कैसे सी में अपने को अडॉप्ट करती है, कैसे रहती है. मेनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीम लाइट बॉडीज टू हेल्प देम मूव ईजली इन वाटर. ज़्यादातर जो वाटर में एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है, क्यों, ताकि वो आराम से उसमें मूव कर सकें. देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वाइड एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीम लाइंड शेप. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सी में रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस और स्क्वाइड्स. इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन नहीं होती, दे स्टे डीपर इन द ओशन. ये समुद्र के बहुत अंदर होते हैं. नियर द सी पेड एंड कैचेज एनी प्रे दैट मूव टूवर्ड्स देम. ये अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ मूव कर जाते हैं. हाउ एवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीम लाइंड. जब ये वाटर की तरफ मूव करते हैं तो इनकी बॉडी का शेप स्ट्रीम लाइंड हो जाता है. दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज़ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. ये एनिमल गिल्स के थ्रू अपना ऑक्सीजन लेते हैं. देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स वॉट डू नॉट हैव गिल्स. कुछ एनिमल्स हैं ऐसे वाटर में जिनमें गिल्स नहीं होती. दे ब्रेथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, जो कि नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन एयर लेते हैं. दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ दर बॉडीज. ये जो नॉस्ट्रिल होता है ये बॉडी के अपर पार्ट्स, इसके हेड के पास होता है. दिस अलाउ देम टू ब्रेथ इन एयर, जो कि हवा में सांस लेते हैं. व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब वो वाटर के सरफेस पर होते हैं. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, ये पानी में बहुत समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं. दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये अपने सरफेस पे टाइम टू टाइम आते हैं टू ब्रेथ इन एयर, सांस लेने के लिए. डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑन ओशन लाइफ. आप डॉल्फिन को देख सकते हो कि नेशनल टेलीविज़न पर या प्रोग्राम में, कि वो सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है. पॉन्ड्स एंड लेक्स, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोविंग इन पॉन्ड लेक्स रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स. आपने देखा है कि कुछ प्लांट्स हैं जो कि पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर में ग्रो करते हैं. गो ऑन ए फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाई पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर. आपने अगर अपने करीब में किसी पॉन्ड पर देखा है तो कई तरह के प्लांट्स आपको दिखाई देंगे. ऑब्जर्व द लीव्स स्टीम एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स, इसके लीव्स स्टीम और रूट्स को ऑब्जर्व करिए. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर. इन ज़्यादातर आपने देखा है कि इसकी रूट्स सॉइल में होती है, जो कि बिलो द वाटर, जो कि पानी में होता है. इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट नॉर्मली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं उनकी रूट नॉर्मली वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट्स का. हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, रूट मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन ए प्लेस. एक्वेटिक प्लांट में जो होती है रूट जो होती है इनकी एकदम रिड्यूस साइज में होती. मेन फंक्शन इसका होता है कि प्लांट को पकड़े रहना उस जगह पर. द स्टीम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, स्टीम जो प्लांट्स की होती है वो लॉन्ग होती है. हॉलो एंड लाइट द स्टीम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. और ऐसे प्लांट्स की लीव्स जो रहती है और फ्लावर्स जो होते हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं. सम एक्वेटिक प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं कि वाटर में होते हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, सारे पार्ट्स उसके वाटर के अंडर होते हैं. सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर. इन सब सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन highly divided through which the water can easily flow without damaging them. Frog usually live in ponds. Frog जो होता है ponds में रहता है. Frog can stay both inside the water as well as move on land.
दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन ए लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। फ्रॉग क्या होता है, वो पानी और लैंड दोनों पे रहता है, पानी में रहता है तो वो तैरता है, उसके वेब्ड फीट होते हैं और जब उस पे रहता है तो अपने दुश्मन को अच्छे से पकड़ लेता है। वी हैव डिस्कस ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लाइव इन डिफरेंट हैबिटेट। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू वेन यू प्रिपेयर्ड ए हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इन चैप्टर 7। इसमें बहुत सारे प्लांट्स की ऐसी वेराइटी है जिसको हमने एक हर्बेरियम फाइल में चैप्टर 7 में इसको सजेस्ट किया था कि एक हर्बेरियम फाइल बनाइए, उसमें आप उसको चिपकाइए। इमेजिन द काइंड्स ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन ए हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या कैरेक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने जर्नी की डिफरेंट हैबिटेट देके डिस्कस किए कई प्लांट्स और एनिमल्स को। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। सपोज वी स्टॉप ए वायलेंट थिंग विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम ए फॉरेस्ट, ट्रीज, क्रीपर, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव, डेड एनिमल, मशरूम्स एंड मॉस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, विच ऑफ दीज आर लिविंग। हमने जब जर्नी की डिफरेंट हैबिटेट्स की और डिस्कस किया कई प्लांट्स और एनिमल को, तो एक्टिविटी 1 में हमने कुछ लिस्ट बनाई कुछ ऑब्जेक्ट्स की, प्लांट्स और एनिमल की, जो कि अलग अलग थे, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए ऐसे एनिमल्स के कि और प्लांट्स के जो लिविंग हैं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग इन सम केसेस। हमने कुछ ऐसी भी लिस्ट बनाई जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, ये जानना बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। हम जानते हैं कि चेयर और टेबल अलाइव हैं, जीवित नहीं है। पहली वॉज रीडिंग दिस राइम वेयर कम्प्लीट नॉन सेंस रिटन बाई एडवर्ड लियर। पहली एंड भूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी। पहली और भूजो ने इस पोएम को पढ़ा बिकॉज दे न्यू दैट ए चेयर और टेबल इज़ नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। वो बात और चल नहीं सकते। चेयर, टेबल, स्टोन और ए कॉइन आर नॉट अलाइव। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्वायरल, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स। और बहुत सारे एनिमल्स हमारे चारों तरफ हैं, देखते हैं जिनको हम, जैसे डॉग, कैट, मंकीज, स्क्वायरल, इंसेक्ट और भी कई। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग, क्या सब जीवित हैं। ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, ये डिसाइड कर पाना ईजी नहीं है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, प्लांट जीवित हैं, बट दे डू नॉट मूव लाइक ए डॉग और ए पिजन। लेकिन ये डॉग और पिजन की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ऑन द अदर हैंड ए कार और ए बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। जैसे कार और बस है वो मूव करती है लेकिन वो नॉन लिविंग है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। प्लांट्स और एनिमल ग्रो करते हैं लेकिन एक टाइम पर, बट देन एट टाइम क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। डज इट मीन दैट क्लाउड आर लिविंग। क्लाउड्स जो स्काई में होते हैं वो हमको साइज में बड़े ग्रो होते दिखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लाउड्स लिविंग है। नो, सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब उन दोनों के बीच, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या अंतर है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स जो होती है उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो नॉन लिविंग से बिल्कुल अलग होते हैं। यू आर वंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग्स, वॉट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट यू हैव लिस्टेड विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स। हम कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ उनके ऐसे कैरेक्टर लेंगे जो नॉन लिविंग से बिल्कुल अलग होते हैं। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू
all living things. You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.